नमस्कार, मैं हूं संजना सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचे आपके शहर की हर खबर आप तक। देश की राजधानी दिल्ली में दिनों दिन प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव से पूरी दिल्ली का हाल बेहाल हो रखा है। बीते बृहस्पतिवार को प्रदूषण के गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर ने चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा है कि बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकले। साथ ही दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बृहस्पतिवार के दिन पीएम 10 का स्तर सुबह 8 बजे करीब 560 माइक्रोग्राम घन मीटर दर्ज किया गया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड 15 साल पहले नवंबर में 636 दर्ज किया गया था। 100 ग्राम प्रति घन मीटर से कम होने पर पीएम 10 का स्तर सुरक्षित माना जाता है। पीएम 10 बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनका व्यास 10 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। यह बहुत आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को जन्म देते हैं। पीएम 2.5 भी 336 दर्ज किया गया है। यह 60 ग्राम प्रति घन मीटर से भी कम होने पर सुरक्षित माना जाता है। पीएम 2.5 आसानी से रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करता है, यह भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। सुबह शाम की सैर को कुछ समय के लिए कम कर दें और घरों में सभी खिड़की दरवाजे बंद रखें। एम्स के पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर करण मदान ने भी कहा है, दिल्ली में प्रदूषण के मौजूदा हालात को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल के हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे आबो हवा में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे विशेष तौर पर बाहर निकलने से बचे। सामान्य व्यक्ति भी बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से निकले व विशेष तौर पर सावधानी बरते। मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। विशेषकर अस्थमा के मरीज को बाहर निकलने और अपना खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दस्तक। नमस्कार।